बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अचानक आत्महत्या कर लेने की वजह से बॉलीवुड में घमासान मचा हुआ है। इस समय नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में जमकर बहस चल रही है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स का कहना है कि बॉलीवुड में स्टार किड्स को काफी महत्व दिया जाता है, जबकि आउटसाइडर्स को पूछा तक नहीं जाता। हालांकि ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के कदम रखा और अपना मुकाम बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही स्टार्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग जगह बनाई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इरफान खान। इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म सलाम बॉम्बे में एक छोटे से किरदार के साथ हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन असली पहचान उन्हें मकबूल, रोग, लाइव इन ए मेट्रो, स्लम डॉग मिलीनियर, पान सिंह तोमर और द लंच बॉक्स से मिली। तो वहीं फिल्म अंग्रेजी मीडियम उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इरफान खान सेल्फ मेड स्टार थे। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला स्टारर फिल्म रन से की थी। इस फिल्म में उन्होंने चोर की भूमिका अदा की थी। हालांकि इस फिल्म में उन्हें खास पहचान नहीं मिली, उन्हें असल पहचान मिर्जापुर में उनके किरदार कालीन भैया से मिली। मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू गोविंद नहलानी की फिल्म द्रोकाल से साल 1994 में किया। इसके बाद वाजपेयी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बैंडिट क्वीन में नजर आए, लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा पहचान फिल्म सूल से मिली। मनोज को हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वह हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में तो सभी जानते हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस तरह की। नवाज ने करियर की शुरुआत तो शूल और सरफरोश जैसी फिल्मों से की थी, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें पहचान नहीं मिली। उन्हें पीपली लाइव, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों से पहचान मिली। नवाजुद्दीन बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में स्थापित हुए हैं। के मैनन। के मैनन भी बिना गॉडफादर के खुद स्थापित हुए अभिनेता हैं। के मैनन ने करियर की शुरुआत फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से की थी। फिल्म में उनके किरदार को काफी सराहा गया था, लेकिन के को पहचान फिल्म ब्लैक फ्राइडे से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा की थी। इसके बाद उन्होंने लाइव इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में काम किया। के हर किरदार में खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना का नाम आज बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शुमार होता है। आयुष्मान मल्टी टैलेंटेड अभिनेता है। आयुष्मान का अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले कोई भी पहचान का व्यक्ति इंडस्ट्री में नहीं था। आयुष्मान रोडीज, इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो में भी नजर आ चुके हैं। इसके बाद ही उन्होंने काफी स्ट्रगल कर बॉलीवुड में एंट्री की और आज की तारीख में बॉलीवुड के एक बड़े स्टार हैं। अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार बॉलीवुड में आने से पहले मार्शल आर्ट्स के टीचर थे। इसी दौरान उनके एक स्टूडेंट के पिता ने उन्हें फिल्मों में आने की सलाह दी। इसके बाद से ही अक्षय का करियर बॉलीवुड में निकल पड़ा। अक्षय का भी कोई भी बॉलीवुड में गॉडफादर नहीं था, उन्होंने खुद ही अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित किया और आज वो बॉलीवुड पर राज करते हैं। शाहरुख खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने टेलीविजन से अपने करियर की शुरुआत की थी। टेलीविजन के बाद शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम रखा और सबको दीवाना कर दिया और आज शाहरुख खान बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड पर राज करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत भी ऐसे ही अभिनेताओं की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। सुशांत के जाने का दुख आज हर किसी को है, जिसकी वजह से नेपोटिज्म का मुद्दा भी गर्माता ही जा रहा है। भले ही आज सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, एक लाइक सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर तो बनता है। आपने सुशांत सिंह राजपूत की कौन कौन सी फिल्में देखी हैं उनके नाम हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए।